कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल बाद ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आकलन करना चाहिए कि अभी स्थिति क्या है और हमें किस दिशा में जाने की जरूरत है। हम इस पर अमल करेंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे जीवन का मिशन है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जाति जनगणना को कोई ताकत नहीं रोक सकती। कांग्रेस की सरकार आते ही हम सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन है, तो छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांसा जी ने कहा आप लिख लो, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और जितना इससे रोका गया उतनी तेजी से, उतनी फोर्स से यह वापस आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के 90% लोगों को यह बात समझ आ गई है, शायद वो आज कह नहीं रहे, खुलकर कह नहीं रहे, मगर उनको बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है। और देश 90% उनका है, तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जाति जनगणना होगा। अब आपको ये जो 90% हैं, इनको आपका रोल, आपका काम है, आपका रोल है कि इनको बताना कि देखिए इस देश में आपकी भागीदारी नहीं है।